गुड मॉर्निंग बच्चों, निकाल जी 7th क्लास की हिंदी की बुक। थर्ड वाला लेसन चल रहा है, क्या नाम है? एक राजस्थानी लोक कथा। एक कहानी इसमें बताई गई है। कहानी के इस आज तक जो कहानी मैंने पढ़ाई है इस लेसन में, तो उस लेसन में यही बताया गया है कि कोई भी अगर शब्द बोलना है, कोई भी वर्ड कहना है या कोई भी वाक्य बताना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? सोच समझ कर जवाब देना होगा। देखिए आगे 18 पेज नंबर पे निकाल लीजिए, सेकंड पैराग्राफ है इसमें। ऊपर ऊपर से देखिए, चौधरी बूढ़ा तो था लेकिन चतुर भी नहीं। चौधरी बूढ़ा तो था ही, चतुर बिल्कुल भी नहीं था। चौधरी बूढ़ा हो गया था। चौधरी कौन था? लकड़हारा, जो लकड़ियों का गट्ठर बेचने के लिए बाजार नगर की ओर जा रहा था। शेर के आगे हाथ जोड़े गिड़गिड़ाए, अपनी पगड़ी तक उसके पांव में रख दी और रोते हुए बोला, मेरे समझने में भूल हो गई मालिक, आप तो बड़े हैं, गरीबों पर दया करो। मैं तो एक गरीब व्यक्ति हूँ, आप तो अमीर व्यक्ति हैं, कम से कम मुझ पे तो दया कीजिए। मेरी हालत इतनी नहीं है कि मैं इस गाड़ी को बेच दूं। शेर की कान पर जू तक न रहेंगी, अड़ा रहा अपनी बात पर। चौधरी को समझाया कि दुनिया में जबान से बढ़कर कुछ भी नहीं है, जबान की ही बरकत होती है। जो जबान से पलट जाए वह आदमी कैसा, अगर तेरी तरह सब जबान से पलटने लगे तो दुनिया का काम कैसे चलेगा। बेचारा चौधरी भारी दिल से बाहर निकला और पैर पटकता हुआ गांव आ गया। अब इतना दुखी हो गया कि उसने केवल हाँ शब्द कह दिया। किसके लिए? उस सेठ ने कहा कि ये गाड़ी का दाम क्या है। अब उसको नहीं पता था कि पूरी गाड़ी लेना चाहता है, उसने तो ये देखा कि गट्ठर का दाम पूछ रहा है। तो वह क्या हुआ, पैर पटकता हुआ गांव की ओर आ गया। चौधरी के चार जवान पुत्र थे। घर पहुंचते ही बड़े बेटे ने पूछा, बाबा बैलगाड़ी कहाँ छोड़ा है, रास्ते में खराब हो गई क्या, बहुत परेशानी हुई क्या? अब चौधरी के चार पुत्र थे, जिसमें से बड़े बेटे ने पूछा कि बाबा आपकी गाड़ी कहाँ गई, बैलगाड़ी कहाँ जा गई, खराब हो गई क्या, कुछ परेशानी हो गई क्या? बाबा ने खिंचकर कहा, बैलगाड़ी तो सेठ के ठिकाने लग गई, उस चतुर सुजान सेठ के आगे मेरी एक न चली। परेशानी तो इतनी हुई कि शहर से पांव रगड़ता आ रहा हूँ, तुम में हिम्मत हो तो कुछ करो, मैं तो हार गया। मैंने तो केवल इतना कहा कि है 5 रुपए का गट्ठर है, मैंने तो गट्ठर के लिए कहा और उसने कहा था कि इस गाड़ी का क्या दाम है। मैंने सोचा कि गट्ठर का दाम पूछ रहा है, तो इस प्रकार से मैंने ये गाड़ी इसके घर तक पहुंचाई। जब गाड़ी लाने गया तो गाड़ी को क्या हुआ, इसने कहा कि अब तेरी नहीं है, मैंने इसको खरीद लिया है 5 रुपए में। तो गरीब ने उसे मिन्नतें भी की थी, बहुत कुछ कहा, ये बात अपने बेटे को बताई कि मैं हार कर आ चुका, अब तुझसे कुछ हो तो तू कर ले। चौधरी ने पूरी बात अपने बेटों को बताई और सुनकर उनकी आंखों में खून उतर आया। खून उतरने का मतलब क्रोध आ गया। पिता की दशा देखकर तीनों बड़े बेटों ने कहा, चलो हमें सेठ की हवेली दिखा दो, हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। उसकी इतनी हिम्मत की, यूं राह चलते गाड़ी बेल रख लिए। ये सोचकर ही बेटे आग बबूला हो रहे थे कि पिता ने अपनी पगड़ी सेठ के पांव में रखी। अब उन्होंने चौधरी ने अपने बेटों से कहा कि मैंने तो अपनी पगड़ी भी रख दी सेठ के आगे, अपनी पगड़ी भी रख दी अपनी बैलगाड़ी को लेने के लिए, लेकिन फिर भी वह नहीं माना। यह बात उनके सबसे ज़्यादा चुभ गई, किनके, उनके चारों बेटों के। पर सबसे छोटा बेटा कुछ और ही उधेड़ बुन में था, वह कुछ सोचकर बोला, मैं अकेला ही उस सेठ से निपट लूँगा, कल मैं दूसरी गाड़ी में लकड़ियाँ ले जाऊँगा, सेठ की जबान से ही उसे बांधूँगा, उसी का तराजू, उसी के बाट और उसी के भाव से उसका हिसाब चुकता करूँगा। सबको पता था कि सबसे छोटा बेटा जो एक बार सोच लेता है वो करके ही दिखाता है। दूसरे दिन वह मुआ अंधेरे घर से गाड़ी में लकड़ियां लादकर निकला और नगर के उसी चौक में गाड़ी खड़ी की। पिता ने सेठ का हुलिया अच्छी तरह से समझा दिया था, कल का दाव सेठ के लिए बहुत मुफीद रहा था, मतलब बहुत लाभदायक था।
उसकी सफलता से फूला हुआ आज फिर वही आया और लकड़ियों से भरी गाड़ी देखकर उसकी बाँछे खिल गई। बाँछे खिलना मतलब अत्यधिक खुशी हो गया, अत्यधिक खुश हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि कल तो उसको लाभ हुआ ही था कि उसने गाड़ी का व्यक्ति 5 रुपये में ले लिया था, आज फिर से उसके सामने आ गया। पास जाकर पूछा, चौधरी गाड़ी बिकाऊ है क्या? अब उसने बोला, चौधरी गाड़ी बिकाऊ है क्या? उसी सेठ ने आकर किसे कहा? चौधरी से। चौधरी कौन था? जो चौधरी पहले आया था उसका पुत्र था। चौधरी का छोटा बेटा देखते ही समझ गया कि यह वही धूर्त यानी मूर्ख व्यक्ति है, इसलिए उसने भी कहा, सेठ जी बेचने ही तो आया हूँ। सेठ तो अपने घमंड में चूर था, उसको तो गर्व था, गर्व हो रहा था, घमंड हो रहा था कि मैंने तो कल ले ली और आज भी फिर मैं गाड़ी ले जाऊंगा। गाड़ी शब्द पर जोर देते हुए पूछा, तो एक ही कीमत बता दे इस गाड़ी का क्या लोगे? मुझसे मोल भाव नहीं होता, अब तू ही बता दे तू इसका क्या मोल लगाएगा। बेटे ने भी कहा, सेठ जी मैं भी दो टूक बात करता हूँ। अब सेठ ने कहा कि तू चाहे जो मोल इसका लगा ले, और बेटे ने कहा, सेठ जी मैं भी दो टूक की बात करता हूँ, केवल दो ही शब्दों में मैं कहता हूँ, फिजूल मोल भाव से क्या रखा है, मतलब बेकार के भाव रखने में क्या मतलब है? मैं आपको 10 बताऊंगा आप मुझे 5 करोगे, मैं आपको 8 बताऊंगा तो आप 7 करोगे, तो इस भाव में क्या रखा है? साफ साफ बता दूं, इस गाड़ी के मुट्ठी तक के लूंगा, आपको जचता हो तो बोलो। सेठ मनी मन मुस्कुराया कि ये तो कल वाले बाबा से भी भोला है, मुट्ठी का क्या है, 1 टका बंद कर ले और 2 भी बंद, मुट्ठी का तो खोलने से पता चलता है। फिर ऊपरी मन से बोला, गाड़ी का दाम तो तू ज्यादा बता रहा है, पर अब राजा कर्ण की बेला कौन झिकझिक करे, चल मेरी हवेली, इस गाड़ी के 2 मुट्ठी टक्के ही दूंगा। अब उसने होशियारी दिखाई और कह दिया कि ठीक है, मैं तुझे 2 मुट्ठी टक्के ही दूंगा। चौधरी का बेटा भी मन ही मन बुदबुदाया, अब इसे जिंदगी भर के लिए लकड़ियां खरीदना न भुला दिया तो अपना यह मुंह लेकर घर न जाऊंगा। यदि इसने भी क्या किया, मेरे कल वाली गाड़ी का और आज वाली गाड़ी का मोल नहीं किया, या उसने मेरी गाड़ी कल वाली गाड़ी नहीं दी, मेरे पिताजी की गाड़ी इन्होंने नहीं दी, पगड़ी की इज्जत नहीं रखी, तो मैं भी अपना मुंह लेकर घर नहीं जाऊंगा। जब तक मैं इसको सबक ना सिखा दूं तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। इतनी बात हुई थी, अब किस प्रकार से कल गाड़ी को देता है, किस प्रकार से मुट्ठी 2 मुट्ठी वो टके की लेता है और किस प्रकार से सबक सिखाता है, इसकी बात हम कल करेंगे। थैंक यू।